बच्चे आप पैदा करो खूब। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इनसे मिलिए, राजस्थान की भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी। दो पत्नियां हैं, 8 बच्चे हैं, और जो इन्होंने बयान दिया है उसको सुन करके हर कोई दांतों तले उंगली दबाए बैठा है कि आखिरकार एक मंत्री ऐसा कैसे बोल सकता है। पहले मंत्री जी को सुन लीजिए, फिर बताते हैं। और अब बिना पैसों से मिलेगा तो उसकी कीमत आप लोग नहीं समझोगे। इसलिए मित्रों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का सपना है कोई भूखा न सोए और कोई बिना छत का नहीं रहे। बच्चे आप पैदा करो खूब, प्रधानमंत्री जी आपका मकान बना देंगे, फिर तकलीफ किस बात की है? फिर हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना? और फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो आप जानते हो कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाना चाहता है, ताकतवर बनाना चाहता है ना? तो मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए? प्रधानमंत्री चाहिए तो आने वाले 2-3 महीनों में चुनाव होने वाले हैं। देश को प्रधानमंत्री आप चाहते हो मोदी जैसा व्यक्ति, तो क्या कोई वजन उठाना है क्या? माथे पे कोई वजन उठाना है क्या प्रधानमंत्री बनाने के लिए? वोट देना पड़ेगा ना? तो हम सब लोगों को जब भी चुनाव होगा उस समय भारतीय जनता के कमल के फूल पर बटन दबा करके फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मोदी के रूप में देखेंगे। तो अभी जो आपने मंत्री जी उदयपुर जिले की झाडोल सीट से दूसरी बार विधायक बने हैं, इनकी 2 पत्नियां हैं, 8 बच्चे हैं, नाम है बाबूलाल खराड़ी, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं, और जो खुद 2 शादी किया हो, 8 बच्चे हों, उनके क्या कहने। पहली पत्नी का नाम है तेजू देवी और दूसरी पत्नी का नाम है मणि देवी। दोनों पत्नियों से ये 8 बच्चे हैं। आप वो ये कह रहे हैं कि खूब बच्चे पैदा कीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको मकान बना करके देंगे। आपको बता दें कि खराड़ी बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक्टिव रहे हैं। इससे पहले वो 2003 और 8 में भी चुनाव जीते थे। 2013 में मोदी लहर के बावजूद वो चुनाव हार गए। इसके बाद वो लगातार 2 चुनाव जीत चुके हैं। बाबूलाल खराड़ी का बड़ा बेटा देवेंद्र बीटेक कर चुके हैं। वहीं 3 बेटे कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि उनकी 4 बेटियां भी कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। खराड़ी जब मंत्री बने थे तो उनके परिवार ने बताया था कि उनके मंत्री बनने का पता यानी खबर टीवी पर समाचार देख करके उन्हें चला था। उसके पहले उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। मंत्री बनने वाले खराड़ी को बड़े नेताओं का आरएसएस का समर्थन है। उनका सरल व्यवहार और सादगी भी अक्सर चर्चा में रहती है। वो 2 कमरों के कच्चे मकान में आज भी रहते हैं। राज्य के सबसे पिछड़े कोटड़ा जैसे इलाके से आने वाले खराड़ी को जनजाति मंत्री बनाया गया है। आदिवासी इलाके में रहने वाले खराड़ी को बीजेपी ने 1987 में कोटड़ा का युवा मंडल अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद 1995 में वो जिला परिषद सदस्य बने और साल 2000 में प्रधान बने थे। ये है खराड़ी।